अच्छा इससे दो तीन दिन पहले दो तीन दिन नहीं एक सप्ताह पहले यहाँ से एक मामला आया था एक बच्चे को पीटा गया है आप लोग सुने थे क्या yes, sir, yes, sir. तो तुमने सुनी थे yes, sir, अच्छा सर सभी लोग सुने हैं तो क्यों पीटा गया है? फिर आप लोग सुने थे क्या क्यों मारा गया तो पता नहीं है नमस्कार मैं अनिल कुमार इस वक्त मौजूद हूं सातर डी पब्लिक स्कूल के इस ऑफिस में और मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विजय कुमार जी और कुछ दिन पहले यहां पर एक टीचर के द्वारा स्टूडेंट को पिटने का मामला सामने आया था उसी मुद्दे को जानने के लिए यहां पर आज हम पहुंचे हैं आइए जानते हैं इस मुद्दे पर यहाँ के प्रिंसिपल विजय कुमार क्या कहते हैं सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सर जनता प्लस आपका स्वागत है आज से जो वो कौन सी तारीख थी क्या डेट तेईस तारीख था सर तेईस तेईस जुलाई दो हजार बाईस को कुछ पेरेंट्स के द्वारा कुछ अभिभावक जो हमारे पास आए और बताए कि हमारे बच्चे को क्लास ट्वेल्थ डी में यूपी सिंह के द्वारा प्रताड़ित किया गया मारा गया तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आवेदन दें और विधिवत हमें इस चीज़ के लिए मैं कमेटी बनाकर इसके बारे में जानकारी लूँगा और इस टीचर को दोष यदि होगा तो दंड दूंगा कुछ लोग भीतर आ गए और हुड़दंग मचाने लगे तरह तरह के बातें करने लगे और इस की जानकारी मैं यहाँ के एसपी महोदय को दिया साथ ही थाना को दिया थाना के प्रेजेंस में उन्होंने इतना नृत्य किया इतना अशोभनीय बात किया जो पाँच हज़ार बच्चे तीन सौ स्टाफ है सभी आज मरमाहत हैं दुखी हैं ये विद्यालय जो स्वामी दयानंद सरस्वती के वेद मंत्रों से ही इसका प्रारंभ होता है ओम विश्वानि देव सवितर दूरदानी पराशुभ शुभ यद भद्र आशुभ इसके प्रधान जो हैं महामानव हमारे पूनम शाह साहब जो हैं डी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी नई दिल्ली हमेशा हम सबों को प्रेरित करते हैं कि बच्चों को मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताना है और उसी के अंतर्गत हम मॉर्निंग असेंबली हो या क्लास हो मैं हमेशा बच्चों को कहते हैं माता पिता का जो स्वागत है उसे करना चाहिए अभिवादन नशील से नित्यम वृद्धोपेवना चौतारित वर्धन ते आयुर्विद्या यशोबलम मैं हमेशा बच्चों को कहते हैं कि माता पिता और अभिभावक और बड़ों के आशीर्वाद से चार चीज़ों की बढ़ोतरी होती है आयुर्विद्या यश और बल ये स्वामी दयानंद का है हमारे जो मार्गदर्शन हमारे जो टॉर्च बियर हैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है श्री जे पी शोर साहब हैं जो दिल्ली कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के डायरेक्टर साहब हैं उनका उन्हों, उन्हों, उन्हों भी हमेशा आशीर्वाद मिलता है कि बच्चों को मोरल एथिक्स मोरल थाट के थ्रू बच्चों को समझाना है ये जो अभिभावक आकर जो कथाकथित मनीष पाठक थे उनके भाई का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है ऊर्जा नगर गुड्डा ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ट्रांसफ़र हुआ और इसको मेन मुद्दा बनाकर एक खडयंत्र के तहत विद्यालय में आकर विद्यालय के बच्चों को प्रभोग किया और वातावरण को गमगीन किया इसके लिए मैं तहे दिल से दुख व्यक्त करता हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पवित्र संस्थान है डी पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों की संख्या में है बीस लाख बच्चे पढ़ते हैं कहीं भी किसी तरह की कोई भी बात होता है अभिभावक आते हैं आवेदन देते हैं और प्रिंसिपल उस पर कार्रवाई करती है विभागीय कार्रवाई होता है उस टीचर को दंड मिलता है इस डीएवी कॉलेज मैनेजिंग की कमेटी के तहत मैं बार बार उनसे अनुरोध कर रहा था फिर भी इतना उत्तेजक रूप से हमें प्रताड़ित किया जिसका मैं तहे दिल से दुख व्यक्त करता हूँ और आज आपके सामने में मैं यही कहूँगा कि ये डी संस्था है और डी का यहाँ अनमोलम जो बच्चे थे एक से चार रैंक लाकर यूपीएससी में उत्तीर्ण हुए यहाँ अमित आनंद जो बच्चे थे हमारा उन्होंने भी यूपीएससी में लिया अभी नाइन्टी नाइन पॉइंट टू परसेंट लाकर झारखंड का दूसरी टॉपर डी ए का बच्चा हुआ सी बी एस सी एग्ज़ामिनेशन क्लास टेंथ में नाइन्टी नाइन पॉइंट एट परसेंट ला आई आई टी जे मेन्स में हमारे बच्चे क्वालिफाई किए अभी आपको मैं बताऊँ कि यहाँ के बच्चे प्रज्ञा भारती जो गेट एग्ज़ामिनेशन होता है टू थाउजेंड ट्वेंटी में पूरे हिंदुस्तान में प्रथम किए उसके बाद इतना ही नहीं वन महोत्सव में हमारा जो है डॉक्टर वी राघवन आई डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है यहाँ आए एम्स देवघर के दर्जनों डॉक्टर के बच्चे पढ़ते हैं एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी के यहाँ पांच बच्चे पढ़ते हैं बड़े बड़े लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और इससे सभी मरमाहत हैं दुखी हैं यहाँ के जुडिशियरी हैं पदाधिकारी है सारे के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं हम संस्कार देते हैं साथ साथ एंग्लो वैदिक जो डीएवी का सूत्र है कि हम अपनी संस्कृति के साथ साथ अंग्रेजी पर भी जोर दें इस पर हम विशेष ध्यान देते हैं लेकिन आज बहुत दुखी हैं हम मरमाहत हैं और इस घटना को खेद व्यक्त करते हैं कि जो भी ये घटना आकर इस विद्यालय प्रांगण में किए उनके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ और मरमाहत हूँ पुनः फिर एक बार इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ बीच में आए और आपका टीवी चैनल यहाँ बच्चों से आज गार्जियन से अभिभावक से इंटरव्यू ले रहा है मुझे बहुत खुशी हो रहा है और सच्चाई आप जानेंगे और इसे आप अपने दुनिया को बताएंगे कि सच्चाई क्या है धन्यवाद जैसे कि आपने सारी मामला को सुने हैं और एक बात यहाँ पर बताना बता देना चाहूँगा कि यह भारत का सबसे बड़ा शैक्षणिक से, संस्था में से एक है डी जो कि देश में हजारों संस्था हैं और जैसे कि सर बता रहे थे कि 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस संस्था से जुड़ करके अच्छी शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षा के साथ साथ वो अपनी जो भारतीय संस्कृति है हमारी परंपरा है हमारे जो यूँ कह सकते हैं हमारे दयानंद सरस्वती जी के कथनानुसार उनके मार्ग पर चलते हुए मॉडर्न शिक्षा को जो ग्रहण कर रहे हैं इस तरह के वातावरण को आकर के कथाकथित कोई गार्जन और कोई नेता स्वरूप आकर के अगर इसको गंदा करने का काम करते हैं तो कतई ये सही नहीं है और एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि इस संस्था में जिस वक्त इस वक्त हम जो देवघर का जो जूनियर सेक्शन में हैं यहाँ सीनियर सेक्शन में हूँ यहाँ पर इस देवघर ज़िला के जाने माने नामे गिरामी लोगों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं चाहे वो एम्स के वो बड़े बड़े अधिकारी डॉक्टर के बच्चे हों चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ जो कुंडा में जो एयरपोर्ट है उनके बच्चे मतलब अधिकारी पदाधिकारी के बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं और यहाँ से अधिकारी पदाधिकारी बन के भी निकलते हैं अभी आपने सुना श्री विजय जी से कि यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएससी गेट और इंजीनियरिंग और यूं कह सकते हैं जो जनरल कंपटीशन है उसमें तो सैकड़ों हजारों स्टूडेंट यहाँ से क्वालिफाई किए हैं और देख सकते हैं ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो तोड़े हैं विजय कृष्ण भार भारद्वाज हैं जो कि हाँ चेस चैलेंजिंग में इस तरह से बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं इस जो ऑफिस है यहाँ पर जो इतने सारे मेडल्स हैं आपको मैं दिखाऊंगा और बाहर इतने सारे अचीवमेंट्स के जो फ़ोटो लगे हैं ये कहीं न कहीं हमारे यहाँ के जो टीचर हैं यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं यहाँ का जो शांतिपूर्ण वातावरण है ये सारा क्रेडिट और सारा श्रेय इन्हीं पर जाता है हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत यहाँ के जो टीचर हैं या फिर बच्चे हैं वो चीज़ें अगर जो कोई बच्चे खटपट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको डांट करके डपट करके शांत करवाना यहाँ के टीचर की वो अभी प्राथमिकता है लेकिन जैसे यहाँ पर मैं देख रहा था जो टीचर जो यूँ कह सकते हैं जिसको कि विक्टिम बना दिया गया है वो है नहीं मैं वीडियो में देख रहा हूँ वो सारी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं कि वो गर्दन दाब के मारने का प्रयास किया गया या फिर और भी चीज़ें तो ये कहीं न कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इस तरह से खासकर इस तरह से देश के नामी गिरामी बड़े बड़े संस्था को ये सबसे अछूता रखने का प्रयास हमेशा जितने भी शासन प्रशासन के साथ साथ जो आम नागरिक है सबको बनना चाहिए और चलिए हम बाहर चलते हैं और जानते हैं यहाँ के जो स्टूडेंट का क्या कहना है और कुछ स्टाफ़ हैं कुछ मैनेजमेंट हैं कुछ मैनेजर सबसे हम जानने का प्रयास करते हैं चलिए और हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आ, सर क्या कुछ हुआ था उस दिन वैसा कुछ नहीं सब आराम से चल रहा था कुछ बच्चे को हमारे कुछ बच्चे को प्रभोग किया गया जिसके वजह से ऐसा इंसिडेंस हुआ है हमारे बच्चे इस टाइप के कभी ना थे और ना हैं और ना कभी होंगे ये हमें पूर्ण विश्वास है वो हमारे कुछ बच्चे को प्रभोग कर दिया गया जिस वजह से ऐसा इंसिडेंस हुआ और ये एज ए गार्जियन भी हमको समझना चाहिए कि हमारे बच्चे अगर उस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अगर हमें शिक्षकों के ऊपर स्कूल के ऊपर विश्वास है तभी हमने उन्हें उस स्कूल में दिया है तो उस विश्वास को वो अपने अंदर बनाए रखें और इस चीज़ को हमेशा भरोसा रखें कि हम हमेशा स्कूल की भलाई के लिए अपने बच्चों की भलाई के लिए हमेशा कार्यरत थे और हमेशा रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल ये शिक्षा देने के कड़ी में सबसे पहली भिल् प्राथमिकता होती है डिसिप्लिन और इस डिसिप्लिन को भंग करने का प्रयास किया गया क्या कहेंगे इसके बारे में देखिए ये शिक्षा का मंदिर है और आज के छात्र कल के नागरिक हैं और विद्यालय में ही बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है हम सब शिक्षक मिल जो विद्यालय का अनुशासन है सर के नेतृत्व में हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर विजय कुमार के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर डिसिप्लिन को मेंटेन करने की हर कोशिश करते हैं और बच्चे को भी सिखाते हैं कि वो अपने सिर्फ स्कूल का जो टाइम टेबल है या फिर जो स्कूल का जो ड्यूरेशन है सिर्फ वहाँ नहीं अपने लेटर लाइफ में भी डिसिप्लिन को अपनाएं और अपने बिहेवियर में वो डेवलप करें और उसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम जो है वो अपना एफर्ट लगाते हैं और बच्चे भी ये रियलाइज़ करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है जैसे कि हम एक सवाल जानना चाहेंगे आपसे जो सर जो जिनको विक्टिम बना दिया गया है यूपी सिंह सर है ना तो यूपी सिंह सर जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे क्या उनका बिहेवियर रहा है और कैसे देखिए हाँ उनके बारे में तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं उनको नहीं जानती क्योंकि वो न्यू ही यहाँ पे ज्वाइन किए थे हुँ. तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है ट्रांसफ़र होने का प्लेस चेंज का तो ये हो सकता है कि उनके ऊपर ऑपरेट किया गया होगा वैसे पर्सनली मेरे मुझसे उनके रिलेशन की बात करें तो हम लोग वन वीक से एक दूसरे को जान रहे थे और वो मतलब ऐसा नहीं कि कभी मिसबिहेव किए हों किसी भी टीचर के साथ यहाँ पे और भी हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं तो कभी कभी होता है कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण इंसान जो है वो कभी अपना ह्यूमन नेचर no, है कभी किसी के भी साथ हो सकता है hmm. कभी कभी होते हैं कोई टेम्पर लूज कर जाते हैं फॉर द टाइम बींग अभी उसको उसके कैरेक्टर का पार्ट परमानेंटली बना के तो नहीं बोल सकते इस स्कूल में सर के आने के बाद एकेडमिक और डिसिप्लिन सर का जो इन्फेसिस इसी दो टॉपिक पर रहा hmm. सर ने अपने लेवल पर हमारी लाइब्रेरी में बच्चों के लिए कंपिटिटिव एग्ज़ाम्स मैगजीन्स बहुत सारी बुक्स मटेरियल्स वगैरह यहाँ पर ला दिए ताकि बच्चों को फ़ायदा हो और बच्चे जो हैं सिर्फ क्लास ट्वेल्व में ही नहीं कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी अच्छा स्कोर करें अच्छा उनका प्रदर्शन हो इसके लिए हम सभी लोग सर के गाइडेंस में हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं जी और हम लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा पढ़ने पढ़ाने का माहौल हमारे यहाँ था और अभी भी है और वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और बच्चे भी जो हैं अब इस बात को समझ गए हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो पढ़ने में ही है किसी के बहकावे में आना आना नहीं है आ, स्कूल के लिए इस, इस तरह की घटनाएं काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा एक विद्या का मंदिर होने के नाते ऐसी घटना कभी होनी नहीं चाहिए चूँकि सब कोई तो हम लोग तो स्कूल में कुछ देने के लिए हैं और इसमें किसी का कोई सेल्फ नहीं है और अगर कोई इसमें ये कर रहे हैं अगर ऐसा कोई बात है तो ये गलत है गलत है बिल्कुल गलत है अगर ये बात सही है कि अगर जो कुछ होता है तो उसकी लिए कानून है कानून के अनुसार चले और स्कूल का ऑफिस में घुस करके फुर्तंगबाजी करना कतई सही नहीं है कतई सही नहीं है अभी आप सुन रहे थे डी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय कुमार जी से अब मेरे साथ जुड़े हैं इस संस्था के मैनेजर जो इस पूरे इतनी बड़ी संस्था को मैनेजमेंट करते हैं इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था सर स्वागत है जनता प्लस पे। देखिए क्या है ना कि ये तो मेरा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा इस पर क्या है डी ए दयानंद एंग्लो वैदिक दयानंद और वैदिक अगर दो अच्छा भैलू नहीं रहेगा पिलर हैं तभी हम एक मॉडर्न एजुकेशन कर सकते हैं हो उस दिन आ, कुछ लोगों की साजिश थी कि स्कूल को बदनाम करने की इतने बड़े स्कूल को और हमारे विजय सर के नेतृत्व में लीडरशिप में स्कूल इतनी अच्छी चल रही है दिन दुनी रात चौगनी प्रगति कर रही है विजय सर एक बहुत अच्छे एकेडमिशन और एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं मैं समय समय पर यहाँ पर आते रहता हूँ हमेशा आते रहता हूँ पंद्रह दिन के बाद और आपका एक महीना के बाद एक महीना के भीतर और स्कूल का वातावरण बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा है कुछ लोगों की साजिश के द्वारा ऐसा हुआ है लेकिन अब नहीं होगा और हमारे में से बच्चे बड़े एक अनपॉलिश डायमंड होते हैं और हम लोग फोटो कॉपियर होते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा माइंड को डिस्टर्ब कर दिया गया चार पांच बच्चे को इसी की तरह से ऐसे हुए बच्चे भी अब रियलाइज़ कर चुके हैं और हमारे टीचर जो प्रभोग कर रहे होंगे वो भी रियलाइज़ कर चुके हैं हैं कि इस तरह से काम घटना नहीं हो और मैं एक पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में आपका सोना चांदी फिजिकल चीज़ कुछ नहीं है आपके बच्चे ही सोना है आपके बच्चे ही चांदी हैं आप बच्चे को अच्छा एजुकेशन दें और हमारा स्कूल दयानंद एंग्लो वैदिक बेस्ट पर है जो दो पिलर के बीच में मेरा मॉडर्न एजुकेशन है तो पहले वैल्यू दें तभी हम समाज में प्रखरता के साथ आपके बच्चे भूमिका निभा सकते हैं ये मेरे पेरेंट्स से बोलना है और साथ में बच्चे से ही बोलना है कि आप अपने फ्यूचर को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं इस चीज़ में नहीं रहें वो घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था हाँ। खास करके जब से प्रिंसिपल साहब आए हैं तब से स्कूल का एक साल होने जा रहा है बहुत अच्छा हो विकास हुआ है सारा चीज़ बहुत अच्छा हुआ है बस भी बढ़ गई है सब बच्चा सीट पर बैठ के आता है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह का कोई उस दिन का भी घटना कि मैं भी इन स्कूल का कोई गलती नहीं है टीचर तो मान लीजिए एक बच्चे बदमाशी करेंगे तो कातल पर मारते हैं तो, तो गार्जियन है। का काम है बच्चे को संभालना स्कूल भी बच्चे को ही संभाल रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम स्कूल के प्रति अच्छा सोचें बच्चे को अच्छा बनाए बच्चे को भी अच्छी शिक्षा दें कि स्कूल में कैसे व्यवहार करना है क्या करना है बस ये बात सही है जो कह रहे हैं श्री अशोक जी की अगर बच्चे अगर आप स्कूल भेज रहे हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी बननी चाहिए कि स्कूल पे विश्वास हो स्कूल के जो फैकल्टी हैं टीचर है उनसे विश्वास हो और उस विश्वास को कायम रखने के लिए अपने बच्चे को घर में अच्छी शिक्षा दे करके भेजेंगे किस तरह से स्कूल के टीचर प्रिंसिपल वहाँ के जो गार्ड हैं वहाँ के जो माली हैं हर किसी के किस तरह से व्यवहार करना चाहिए स्कूल के अंदर स्कूल के प्रिंस में अंदर आ कर के एक स्टूडेंट का जो उसकी डिसिप्लिन है सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए चलिए और हम बातें करते हैं यहाँ के कुछ और गार्जियन से कुछ बच्चों से और आज यहाँ ऑफिस विज़िट करने की क्या वजह है जस्ट ऑफिस में सर से मिलने आए थे रिगार्डिंग अपने बच्चों के रिगार्डिंग में तो जो भी यहाँ पे घटनाएं हो रही थी उसका मैं निंदा करता हूँ क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का बच्चे का माहौल काफ़ी अच्छा वातावरण दिया जा रहा है स्पेशली डॉक्टर विजय कुमार आने के बाद काफ़ी स्कूल में पेरेंट्स और टीचर्स मीटिंग में काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेंट होते हैं बच्चे को अच्छे पढ़ाई हो रही है टाइम टू टाइम सर का विजिट रहता है तो इवन ऑनलाइन में भी हम लोग देखते हैं कि सर विजिट करते हैं क्लासेस में और पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रही है हमारे स्टूडेंट का भी काफ़ी मनोबल बच्चे को मनोबल बढ़ता है जिससे प्रिंसिपल अगर विजिट करते हैं तो और साथ बसाथ गार्जियन का भी दावित रहता है कि अगर स्कूल का इस तरह से माहौल एटमोसफेयर अच्छा रहता है तो बच्चे उन्नति करेंगे इस साल आप देखिए डी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ है जैसे कि सबका आपने सुना हमारे प्रिंसिपल सर का हमारे मैनेजमेंट मैनेजर साहब का और कुछ गार्जियन थे कुछ टीचर थे सबसे हमने बातें करी अब आभारी है कुछ स्टूडेंट का और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ उस दिन घटना हुई थी और यहाँ के जो टीचर कैसे हैं यहाँ के जो माहौल कैसे है और कितने दिनों से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं ये हैं क्या शुभ नाम हुआ आपका श्रुति श्रुति सांडल्या जी आप कितने किस क्लास से स्कूल में पढ़ रहे हैं एट से एट से और अभी किस क्लास में है ट्वेल्थ में ट्वेल्थ में यानी कि मोर देन फोर इयर्स का आपका इस स्कूल का एक्सपीरियंस है आ, कैसा आपका सफ़र है यहाँ का बहुत अच्छा सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं और सारा कुछ लैब वैब जो होता है सब कुछ अच्छे से हो रहा है और अच्छा कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ घटना हुई थी हमारे एक जी हैं उन पर एक आरोप है बच्चे को पिटने का और ये जो है सो मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है लगातार ये तुल पकड़ रहा है और क्या हुआ था उस दिन कुछ सुने आए नहीं, नहीं थे लेकिन वो जो घटना था वो अनफॉर्चुनेटली हो गया था ऐसा टीचर करते नहीं है यहाँ पे ऐसे मतलब मारते नहीं है टीचर वगैरह किसी पे हाथ वाथ नहीं उठाते हैं क्या कुछ कहेंगे उस घटना के बारे में देखिए ऑलरेडी हमारे स्कूल में जो टीचर्स है वो बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं हर चीज के लिए तो अगर बाय चांस अगर टीचर कुछ बोले भी है तो हम लोग को पोलाइटली उसके लिए बिहेव करना चाहिए तो इस तरह से कुछ चाव क्रिएट करना तो ये तो सही नहीं है यही पाँच साल से आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं क्या कुछ कहेंगे यहाँ का मैनेजमेंट के बारे में मैनेजमेंट पे तो कोई शक है ही नहीं इतना अच्छा मतलब आज तक मैंने कभी देखा नहीं है पहले और यहाँ के टीचर तो मतलब इतने अच्छे हैं इतना कॉपरेशन मिलता है और वे इवन नॉट ओनली बोर्ड्स कंपिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत फोकस करते हैं हम लोग पे ए, क्या कुछ कहेंगे आ, सर यहाँ के टीचर्स तो बहुत सपोर्टिव है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आई टी के स्टूडेंट निकले हैं बहुत ने क्वालिफ़ाई किया और बहुत ने यूपीएससी भी क्वालिफाई किया तो उससे साफ पता चलता है कि टीचर्स तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और पढ़ाई अच्छी होती है सर और प्रैक्टिकल तो मतलब प्रैक्टिकल रेगुलर होता है लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स सारा चीज़ें बिल्कुल यानी कि कुल मिला कर के अगर कहते हैं कि चहुमुखी चारों तरफ से अगर देखा जाए प्रैक्टिकल की बात करें यहाँ के जो टीचर की बात करें फैकल्टी की बात करें और यहाँ मैं बार बार इस बात को देखिए फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट दुनिया का सबसे बड़े एग्ज़ाम यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं और इंजीनियर और मेडिकल तो कितने हज़ारों की संख्या में होंगे चलिए जैसा बात करते हैं यहाँ के कुछ घाट से कि क्या कुछ हुआ था उस दिन शिवशंकर जी जी श्रीमान जिस समय वो आए एक पेरेंट्स मनीष जी थे मनीष जी आए उसके बाद हम पूछे कि अब क्या काम है सर तो बोले घाट तुम्हें है तो हम क्या हाँ सर तो बोलते हैं कि प्रिंसिपल गुंडा हो गया है हम के नए न श्रीमान प्रिंसिपल तो बहुत अच्छा आए हैं उसके बाद सर एक स्कॉर्पियो आए उसमें पाँच छः आदमी अंदर में बैठे हुए थे बोले हम कि अंदर एलाओ गाड़ी नहीं है सर बोले कि बल गेट खोलो हमने गेट खोल दिया सर खोलने के बाद सर अंदर गए प्रिंसिपल के साथ दुर्भाव दुर्व्यवहार करना शुरू गाली गलौज करना शुरू कर दिए सर और आपके साथ क्या क्या किया हमारे साथ वही खाली बोले हमारे साथ कुछ नहीं किए थे मतलब आप यहां उनको रोके लेकिन रुका नहीं रुका नहीं उसके बाद वहां जाके गाली गलौज हल्ला हंगामा करने लगे हम भीसली मारे यहाँ से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा सर प्रभाव नहीं पड़ा सर उसके बाद फिर एक मनोज स्टाफ मनोज जी हैं वो बोले कि सर ऐसा गलती क्यों कर रहे हैं आप लोग तो उनके साथ भी हाथापाही करने लगे देख सकते हैं कहीं न कहीं ये जो गार्ड हैं अपने ड्यूटी में तैनात थे उनको रोकने का प्रयास किया लेकिन दबंग की तरह इसके साथ वो व्यवहार करते हुए अंदर गए और अंदर जा कर के प्रिंसिपल सर के चैम्बर में घुस करके इलीगल तरीके से बिना किसी अपॉइंटमेंट के बिना किसी परमिशन के एंट्री करके और वो जा करके यहाँ पर जो है सो कुछ इलीगल बातें किए हैं कुछ इलीगल एक्टिविटी किए हैं और यहाँ के जो तमाम शिक्षक हैं उन पे बच्चों के मारपीट का आरोप है क्या नाम हुआ सर आपका सर गौतम हुआ यहाँ पर आज क्यों आए हैं बच्चे को लेने आए हुए हैं अच्छा रोज रोज आते आते हैं हैं अच्छा किस क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं वन में पढ़ते हैं में यानी कि बहुत ही छोटे और बहुत ही प्यारे मौसम बच्चे हैं आप बताइए यहाँ के जो टीचर हैं कैसा कॉपरेट करते हैं या नहीं कॉपरेट तो करते हैं और कुछ कुछ टीचर में भी कमी है जो कि स्टूडेंट अपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते अच्छा स्टूडेंट डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते उस डिसिप्लिन को मेंटेन करवाने के लिए अगर टीचर स्ट्रिक्ट होते टीचर हैं में प्रॉब्लम नहीं है कोई कोई टीचर में है वही मैं एक्सप्लेन करना चाहता अगर कुछ बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं तो उस डिसिप्लिन मेंटेन करवाने के लिए कुछ टीचर अगर स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चे को डांटते हैं धमकाते हैं मारते हैं तो ऐसे में गार्जियन आकर के यहाँ पे उपद्रव मचाता है क्या ये कहना उचित है बिल्कुल गलत काम है गार्जियन को सपोर्ट करना चाहिए इसमें अगर इस डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या करे टीचर टीचर को बच्चे पर कार्रवाई करना चाहिए अगर कार्रवाई किया कुछ दिन पहले की बात है यहाँ पर जब कार्रवाई हुई तो गार्जियन आकर के यहाँ पर बहुत बड़ा उपद्रव मचाया है क्या कहेंगे उसके बारे में नहीं गलत है, गार्जन गलत गार्जन गलत है किए किए जो भी हैं टीचर एक्शन लेंगे तभी बच्चा आगे कुछ कर पाएगा ये बात सही है अगर कुछ टीचर ज्यादा कुछ किए हैं तो कानून के साथ आप आइए कानून है आपके लिए जी जी बिल्कुल आप सुन रहे थे कुछ गार्जियन से क्या कुछ कहते हैं चलिए और हम बातें करते चलते हैं अब छुट्टी का वक्त है डी पब्लिक स्कूल के प्ले में देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं बास्केटबॉल खेल रहे हैं वो उधर वॉलीबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ और मेरे सामने हैं इस गेम के टीचर आशुतोष आशुतोष सर जी हैं तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे आ, सर आप कितने दिनों से यहाँ पे गेम्स का आप ट्रेनिंग दे रहे हैं आठ साल पूरा हो गया देख सकते हैं आठ साल का इनका अनुभव है यहाँ पे हाँ यहाँ बारह साल का हाँ, टोटल बारह साल का अनुभव है बारह साल के अनुभव में आठ साल देवी को आपने समर्पित किए हैं सातर देवघर सातर में।, हाँ, में सर बात ये है कि यहाँ का जो सातर का जो माहौल है कैसा हाँ, है सर माहौल बिल्कुल अच्छा है कहीं हाँ, माहौल बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा है पेरेंट्स टीचर के बीच में कैसा कम्बिनेशन है सब ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं लेकिन वह जो कम्बिनेशन है जो ठीक ठाक चल रहे उसको बिगाड़ने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं अब मामला शायद सुने होंगे जी तो क्या कहेंगे सर वो तो हो गया खत्म एक गार्जियन को कंफ्यूजन था वो वो आए थे बाकी तो कुछ है नहीं आज भी ट्वेल्व के बच्चे आए कहीं कोई नॉर्मली क्लास हुआ है प्रैक्टिकल सारा क्लास हुआ है सब चीज़ स्मूथली आप इसका गवाह है बच्चे को खेलते हुए देख सकते हैं अब Thank mm -hmm. you.